नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें। अब भारतवंशी टोनी डिल्लो ने आंतों के कैंसर का पहला टीका बनाया। चीन नहीं अब भारत खिलौना का बड़ा बाजार, निर्यात 239% बढ़ा। चंदे की दूसरी सूची में भी लॉटरी किंग छाया, डीएमके को 509 करोड़ दिए। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा केस में पूर्व सीएम बघेल पर एफआईआर। 40 घंटे का ऑपरेशन, नौसेना ने अगवा जहाज मुक्त कराया, 35 लुटेरों का सरेंडर। सिद्धू मूसेवाला की मां ने बेटे को जन्म दिया, पिता बोले इसका नाम भी शुभदीप रखूंगा। राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत के बाद यूक्रेन में नया सैन्य अभियान छेड़ सकता है पुतिन। झारखंड में सिविल सेवा परीक्षा में पेपर लीक का आरोप, 3 शहरों में हंगामा। मथुरा के बरसाने में लड्डू मार होली। नागालैंड चुनाव बहिष्कार की धमकी, एनपीओ ने कहा आंदोलन खींच सकता है राशन जुटाल। भारत मालदीव ने सैनिकों की वापसी की समीक्षा की। प्रतिनिधि सभा में दत्तात्रेय फिर चुने गए सरकारी वाहा। चुनावी बॉन्ड चंदे में पारदर्शिता लाने का प्रयोग है, आरएसएस ने कहा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी भाजपा में शामिल हुए। रेव पार्टी में सांप का जहर, बिग बॉस का विनर रहे एलबी यादव गिरफ्तार। आदिवासी अचल में महापर्व भगोरिया का शुरुआत आज। सीएए रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में केरल की याचिका। अरुणाचल से किमविस की मतगणना 2 जून को। सीयूईटी यूजी परीक्षा में कोई बदलाव नहीं, यूजीसी ने कहा। अहमदाबाद के हॉस्टल में नमाज पढ़ रहे विदेशी छात्रों को भीड़ ने पीटा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।